सब लोग मेरे साथ गाओ। हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे सूरदास जी को एक पद आयो, तीन तीन महापुरुष आ गए, पद की एक पंक्ति गाते ही हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, एक माया अब की
माही पन जात तरो अभी अभी एक भाव मन में आ रहे हो कि हम सब गा रहे हैं कि हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरे अवगुणों को ठाकुर जी आप देखना नहीं। तो मानो ये पंक्ति गानी प्रारंभ करी तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आए, फिर पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज आए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी आ गए। तो मानो ठाकुर जी ने तीन महापुरुष भेज के प्रमाणित कर दियो, ना धर रो अवगुण तेरे चित्त में, तू चिंता मत करे। ये तीन तीन वैष्णवन को भेज करके ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि भैया आप प्रत्यक्ष प्रकट है के ठाकुर जी ना कहेंगे कि तेरे अवगुण में ना देख रहो ना विचार कर रहो। तो यही भाव से मानो ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हो, कोई बात ना भैया, क्षमा किए तेरे अवगुणन पे मेरी दृष्टि ना है, तू आनंद कर।